हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेटेड मीन को, जो भारित माध्य है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो में कंबाइंड मीन के बारे में जान लेते हैं। जो सामूहिक समांतर माध्य है वो क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा सीरीज होती है, दो या दो से ज़्यादा भी सीरीज होती है, तो उनके मीन को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, साथ में निकालते हैं। तो वो जो कंबाइंड मीन होगा वो ही आपके क्या होगा, सामूहिक समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो कंबाइंड मीन कैसे होगा, किस तरीके से निकाला जाएगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो आपका बार एक्स है उसको आप 1, 2, 3, n से आप रिप्रेजेंट करते हो। 1, 2, 3, n मतलब ये जितने भी सीरीज है आपके पास, जितने भी नंबर ऑफ सीरीज है, 1, 2, 3, 4, उनके जितने भी मीन को कंबाइन करना है उतनी सीरीज के नंबर्स यहाँ पे आपको डालने हैं, 1, 2, 3 और आगे जितने भी सीरीज चलेंगे उसको। तो हम यहाँ पे डॉट डॉट n भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा फर्स्ट सीरीज का मीन या फर्स्ट सीरीज का अर्थमेटिक मीन और फर्स्ट सीरीज के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्लस सेकेंड सीरीज का मीन और सेकेंड सीरीज के टोटल नंबर ऑफ आइटम प्लस थर्ड सीरीज का मीन और थर्ड सीरीज के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। और आगे भी ये आप लिख सकते हो एक्स एन और एन एन। ठीक है, आगे भी ये चल सकता है। और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। ठीक है, एन प्लस एन एन, जो भी आगे अगर सीरीज चलेगी तो। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इनका कंबाइंड मीन निकालते हो, सामूहिक समांतर माध्य निकालते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य को इंग्लिश में हम वेटेड अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये किस टाइप का मीन होता है? तो देखिए, वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि आप देख ही रहे हो कि जो श्रेणी होती है, जो सीरीज़ होती है, सीरीज़ में जितने भी वैल्यूज़ होते हैं उन वैल्यूज़ में सबका जो महत्व है या सबका जो हम कह सकते हैं उपयोगिता, वो समान नहीं होती है। सबकी सेम यूटिलिटी नहीं होती और सबकी वैल्यूज़ भी जो है वो सेम इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। तो इसलिए क्या निकाला जाता है, वेटेड मीन निकाला जाता है। तो वेटेड मीन में क्या होता है, वेटेड मीन में पद मूल्यों को क्या किया जाता है, पद मूल्यों को मतलब श्रेणी के जितने भी आइटम्स हैं, पद मूल्यों को उनकी जो उपयोगिता या महत्व के आधार पर भार दिया जाता है। ठीक है, आधार पर भार, जो वेट है, वेट दिया जाता है। ठीक है, उनकी जैसी उपयोगिता है, जैसा महत्व है, उसके आधार पर उसमें क्या दिया जाता है, वेट दिया जाता है और फिर आपका वेटेड मीन कैलकुलेट किया जाता है। अब वेटेड मीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेटेड मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा डब्लू से। ठीक है, बार सिग्मा एक्स, जो बार एक्स है, सिग्मा बार एक्स, सॉरी बार एक्स डब्लू से। ठीक है, बार एक्स डब्लू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, कैलकुलेशन होती है इसकी सिग्मा एक्स डब्लू डिवाइड बाय सिग्मा डब्लू। ठीक है, एक्स डब्लू क्या है, ये सपोज़ करो आपकी श्रेणी के पद मूल्य है। ठीक है, श्रेणी के जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने आपके सामने लिखे और साथ ही में होंगे उनके वेट, वेट भी आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन में। सपोज़ करो 1, 2, 3, 4, 5 ये इनके वेट्स हैं। ठीक है, तो एक्स डब्ल्यू कैसे निकलेगा, एक्स डब्ल्यू निकलेगा एक्स इंटू डब्ल्यू करने से। तो ये जो होंगे वो सिग्मा, ये जो डब्ल्यू एक्स होंगे, फिर लास्ट में आप इनकी क्या करोगे, टोटल करोगे, इनका सिग्मा करोगे, तो वो आपके हो जाएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू। ठीक है, और उसमें डिवाइड क्या करना है, उसमें डिवाइड करना है हमें सिग्मा डब्ल्यू से। क्लियर है, तो ये आपके निकलेगा वेटेड मीन। और ये मेथड कौन सा है, ये मेथड है आपके डायरेक्ट मेथड, ये आपके डायरेक्ट मेथड है। इसमें हम शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्टकट हम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर शॉर्टकट के अंदर देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। यहाँ से रफ कर देते इसको।
शॉर्टकट के अंदर देखिए, हमें किसी वैल्यू को एज्यूम मीन लेना होगा, ठीक है। वैल्यू को एज्यूम मीन लेकर के सिग्मा क्या निकालोगे आप, डब्लू डी एक्स, ठीक है, या डी डब्ल्यू एक्स भी निकाल सकते हो। सिग्मा डब्लू डी एक्स निकालोगे और डिवाइड बाय क्या करोगे, सिग्मा डब्लू करोगे, क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला रहेगा ये आपके है शॉर्टकट मेथड, ये है आपके डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये है आपके वेटेड मीन निकालने का। अब देखो, सपोज करो मैं यहाँ पे आपके सामने एक सीरीज़ लिखूँ, ये आपकी एक्स सीरीज़ है, ठीक है। एक्स सीरीज़ में हमने वैल्यूज़ लिखे 5, 10, 15 और 20, और यहाँ पे इसके वेट है 1, 2, 3 और 4। तो आपको क्या करना है, x में से किसी एक को क्या लेना है, एज्यूम मीन लेना है, ठीक है। सपोज़ करो मैंने 10 को ले लिया, तो एज्यूम मीन लिया, उस एज्यूम मीन को सारे x वैल्यूज़ में से माइनस करना है, तो आपके सामने क्या आएगा, डी एक्स आएगा, ठीक है। फिर उस डी एक्स को क्या करना है, w से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके सामने डब्लू डी एक्स आएगा, क्लियर है। तो फिर उस डब्लू डी एक्स की हमें क्या करनी है, टोटल, जिसे हम कहेंगे सिग्मा डब्लू डी एक्स, क्लियर है। तो ये इस तरीके से निकलेगा और उसको डिवाइड करना है सिग्मा डब्लू से, सिग्मा डब्लू से, तो ये सिग्मा डब्लू, क्लियर है। तो इस तरीके से आपके ये निकलेगा वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब वेटेड अर्थमेटिक मीन और जो मीन है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, जो अर्थमेटिक मीन है समांतर माध्य है, और जो आपका भारित समांतर माध्य है, इनके बीच में भी क्या है, कुछ रिलेशनशिप है। तो अभी हम उन रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने ये आएगा कि यदि श्रेणी के सभी पद मूल्यों को, सभी वैल्यूज़ जो हैं आपकी सीरीज़ के, ठीक है, सभी वैल्यूज़ को क्या किया जाए, सभी मूल्यों को समान भार दिया जाए, समान भार दिया जाए, ठीक है। आपकी श्रेणी के जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी पदमूल्य हैं, उन सबको आपको इक्वल वेट देना है, ठीक है। समान क्या देना है, भार देना है, भार दिया जाए तो क्या होगा, तो आपका जो ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, बार एक्स है, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा वेटेड अर्थमेटिक मीन के, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो ए एम है वो बिल्कुल किसके इक्वल होगा, आपके वेटेड अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा, समझ में आ रहा है। देखिए क्या बताया गया है कि अगर आप श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व या भार देते हैं तो आपका जो समांतर माध्य है वो भारित समांतर माध्य के बिल्कुल बराबर होगा, या भारित समांतर माध्य के बराबर होगा, ठीक है। तो वेटेड मीन आपके अर्थमेटिक मीन के बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि देखो, अगर हम वैल्यूज़ को समान वेट दे रहे हैं, सपोज़ करो ये आपकी एक्स सीरीज़ है, वैल्यूज़ लिखे हुए हैं 5, 10, 15, 20, ठीक है, और उनके वेट मैंने सबको इक्वल दे दिए 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो अब तो वही बात हो गई कि हम क्या निकाल रहे हैं इसका, हम निकाल रहे हैं मीन, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो इक्वल होगा किसके, वेटेड अर्थमेटिक मीन के। तो अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये आ गई हमारे सामने। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, दूसरी कंडीशन आएगी आपके सामने, इस इक्वेशन को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। दूसरी कंडीशन आएगी कि यदि श्रेणी में बड़े पद मूल्यों को हम क्या दें, अधिक भार दें, बड़े पद मूल्यों को हम अधिक भार दें तथा छोटे मूल्यों को कम भार दें, छोटे जो मूल्य होते हैं, छोटे मूल्यों को कम भार देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो छोटा होगा किससे छोटा होगा, आपके वेटेड मीन से, क्लियर है। ये आपके सेकेंड बात हो गई है कि अगर आप बड़े वैल्यूज़ को क्या देते हो, बड़े वैल्यूज़ को ज़्यादा वेट देते हो और छोटे वैल्यूज़ को कम वेट देते हो, तो उस कंडीशन में आपका जो मीन है या अर्थमेटिक मीन है वो छोटा होगा किससे, वेटेड मीन से, ठीक है। तो ये सेकेंड आपके सामने कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि यदि श्रेणी में बड़े पद मूल्यों को
कम भार दिया जाएगा, कम भार दिया जाए, ठीक है, तथा छोटे मूल्यों को, तथा छोटे मूल्यों को, छोटे मूल्यों को अधिक भार दिया जाए। छोटे मूल्यों को क्या करेंगे हम, ज़्यादा वेट दें, तो उस कंडीशन में आपका जो मीन होगा, ठीक है, वो मीन बड़ा होगा किससे, वेटेड मीन से, किससे बड़ा होगा, वेटेड मीन से बड़ा होगा। क्लियर है? तो ये थर्ड कंडीशन आपकी आती है। तो ये रिलेशनशिप है मीन का और वेटेड मीन का, ठीक है। जब श्रेणी के सभी मूल्यों को समान भार दिया जाए तो वेटेड मीन और अर्थमेटिक मीन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी बात है कि जब श्रेणी में बड़े वैल्यूज़ को आप ज़्यादा वेट दोगे और छोटे वैल्यूज़ को कम वेट दोगे, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो अर्थमेटिक मीन है, जो मीन है, वो वेटेड मीन से क्या होगा, छोटा होगा। ये सेकेंड वाली कंडीशन, आपका मीन वेटेड मीन से छोटा होगा। फिर बात कही है कि यदि श्रेणी में बड़े पद मूल्यों को कम और छोटों को ज़्यादा अगर हम दे दें वेटेज, तो उस कंडीशन में आपका जो मीन होगा वो बड़ा होगा किससे, वेटेड मीन से, ठीक है। तो ये कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में से कोई भी इन तीनों में से एक कंडीशन डाल दी और ऑप्शन में एक कंडीशन ऑप्शन में हो सकती है, ऑप्शन में ये इक्वेशन आपके आ सकती है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान होना ज़रूरी है। तो ये था आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन।